भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा, कोई फैसला लेना और फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना गलत है। गौरतलब है कि आरबीआई के फैसले के बाद से तमाम विपक्ष ने बीजेपी, पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा, कोई फैसला लेना और फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना गलत है। गौरतलब है कि आरबीआई के फैसले के बाद से तमाम विपक्ष ने बीजेपी, पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा, कोई फैसला लेना और फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना गलत है। गौरतलब है कि आरबीआई के फैसले के बाद से तमाम विपक्ष ने बीजेपी, पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है।